नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आप देख रहे हैं अपना चैनल एनजी वर्ग। दोस्तों, एक बहुत ही दुख भरी या फिर ख़राब खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, लाडली बहना योजना थी वह बंद होने जा रही है। सभी बहनों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। तो मुझे यहां कैसे पता चला, एक पेपर आया था मेरे पास, उसमें बताया गया था कि लाडली बहना के पैसे हैं वह बंद होने वाले हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, यह पैसे बंद होंगे या नहीं होंगे या कैसा समाचार है, क्या है इसमें, क्या बताया गया है। तो बने रहिए वीडियो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में शेयर कर दें ताकि उनको भी यह खबर मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखिए, मैंने यह पेपर लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। मुख्यमंत्री पर SDMP का प्रतिबंध, लाडली बहना योजना होगी बंद। यह भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जो योजना चलाई जा रही थी वह योजना अब बंद होने वाली है। तो बहुत ही दुखद समाचार है यह। तो आपको लाडली बहना की वेबसाइट तो पता ही है, यदि नहीं पता है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पेपर पढ़ते हैं पहले पूरा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 9 महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं। इससे परेशान होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है। चीफ मिनिस्टर से तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मध्य प्रदेश शासन के सभी डिपार्टमेंटों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। लिखा है कि हमारी आपत्ति के बिना कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना बंद होगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकसभा की 29 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने वाली लाडली बहना योजना पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डंडा चल गया है। अपने ताजा सर्कुलर में वित्तीय विभाग ने लिखा है कि होगी वह योजना को चिन्हित करें वर्तमान में अपनी उपयोगी हो चुके हैं। और जिन्होंने यही है कि योजना, इसमें बताया जा रहा है कि पूरी तरह से यह योजना बंद होने वाली है। इसकी कैबिनेट बैठक भी हुई है और जो फाइनेंस थे, जो बैंक वाले थे, उन्होंने क्या हुआ, जो लोन देने से मना कर दिया था, जो राशि मध्य प्रदेश सरकार ले रहे थे RBI की तरफ से, तो उन्होंने मना कर दिया कि यह कोई घोषणा नहीं होगी, इस योजना को भी बंद किया जाए, इस तरीके का लोन बार बार नहीं दिया जाएगा, फाइनेंशियल बार बार नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही दुखद समाचार है। और भी हम इसको पढ़ा के बताते हैं। वित्त विभाग ने कहा कि नई योजना का प्रस्ताव विभागों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के साथ भेजने होंगे। नई योजना में वित्त विभाग के स्तर पर खोली जाए प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वच्छ अधिकारियों को अनुमोदन के बाद बजट चर्चा के पहले समीक्षा समेत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगी। जो विभाग है, बैंक है, उसको जो बजट खोलते हैं मोहन यादव जी या फिर अन्य सरकार कोई, तो उसका क्या होता है, बजट खोलता है तो उससे पहले वह अपने जो वित्त विभाग है, बैंक है, उससे संपर्क करेंगे और उनके सामने यह प्रस्ताव रखेंगे, तब उसके बाद यह बजट खोला जाए। कुछ भी जो योजना शुरू की जा रही है वह वित्त विभाग को पहले बताई जाए, तब उसके बाद यह योजना शुरू की जाए। तो वित्त विभाग के द्वारा यही बताया गया है। तो आपको यहाँ पर पेपर पढ़ के पूरी जानकारी तो वैसे मिली गई होगी कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है मुख्यमंत्री पर SDOP का प्रतिबंध, लाडली बहना होगी योजना होगी बंद। तो आपको यही बता रहा था मैं कि लाडली बहना यह है जो बंद होने वाली है और लाडली बहना के फॉर्म वगैरह ऐसे कुछ भरने की कोई चर्चा नहीं होगी अब।
क्योंकि यह योजना पूरी तरह से बंद होने वाली है। इसका आदेश भी निकाल दिया है वित्त विभाग की तरफ से, उन्होंने बैंक की तरफ से। तो यह पेपर तो मैंने पढ़ लिया और आपको भी बता दिया कि यह योजना बंद होने वाली है, पर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको और भी जानकारी दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई खास आदेश नहीं आया, ये ओनली पेपर से निकाला गया है। तो कभी कभी पेपर झूठ भी होता है दोस्तों। धन्यवाद।